नमस्कार, ललिता भारद्वाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ घिया का हलवा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है एक मीडियम साइज का घिया। घिया कच्चा होना चाहिए, इसमें बीज नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये देखिए, मैंने लिया है 1/4 कप चीनी और 1 कप लिया है मैंने दूध। थोड़े से लिए हैं मैंने नट्स, काजू, बादाम और किशमिश है। और 4 चम्मच लिया है मैंने देसी घी। आप देसी घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये लिया है मैंने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। तो चलिए सबसे पहले हम घिया को ग्रेट कर लेते हैं पील करके। ये देखिए, इसे हम इस तरह से पहले पील कर लेते हैं। अच्छे से इसे हमें पील करना है। ये देखिए, मैंने इसे पील कर लिया है और अब हम इसको दोनों साइड से इस तरह से कट कर लेंगे। और चलिए अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। देखिए, मैंने घिया को वॉश कर लिया है और अब हम इसके इस तरह से 2 से 3 पीस में इसको कट कर लेते हैं। और अब मैं एक ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट करूँगी। तो आप अपनी मनपसंद मोटा साइज, पतला या बारीक, जो भी आपको ठीक लगता है करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हलवा सॉफ्ट बने तो ये बारीक साइज के कीजिए, ताकि इसके क्रंचेस ज़्यादा मोटे ना हों, छोटे हों। तो चलिए, ये देखिए, अब हमें इसे जल्दी जल्दी ग्रेट करना होगा, नहीं तो घिया काला पड़ जाता है। ये देखिए, मैंने घिया को ग्रेट कर लिया है और अब इसके बीच का जो ये मटेरियल निकला है, इसे हम यूज नहीं करेंगे, इसे हम फेंक देंगे। ये देखिए, कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है और अब मैं इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी ये घिया। ये देखिए, अब हमें इसे इसको पानी जो है मॉइस्चर इस पर सुखा देना है। तो 2-4 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही भून लेंगे। ये देखिए, घिया पहले से सॉफ्ट हो चुका है और अब मैं इसी टाइम इसमें डाल दूंगी ये दूध। और अब हमें इसे ढक कर पकने देंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं चलाना है इस टाइम इसे दूध में पकने देते हैं, सॉफ्ट होने देते हैं। ये देखिए, सारा दूध इसका सूख चुका है और अब मैं इसी टाइम डालूंगी इसमें ये इलायची पाउडर। और इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी ये चीनी। तो चीनी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और इस चीनी को अब हम इसमें मेल्ट होने देते हैं। देखिए, मैंने एक छोटा सा पैन चढ़ाया है और इसमें डालूंगी मैं 1/2 चम्मच घी और इसमें डालेंगे हम ये नट्स। इसको बस हमें हल्का सा रोस्ट करना है, घी मेल्ट हो जाए फिर इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, इसे हमें ज्यादा नहीं भुनना है, हल्का सा इसे रोस्ट करना है। अब मैं ये नट्स भी इसमें डाल देती हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे घी। घी हम थोड़ा करके डालेंगे। पहले मैं इसमें 1 चम्मच घी डालती हूँ, जरूरत के हिसाब से इसमें हम फिर और डालेंगे। देखिए,
देखिए घिया बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और हमारा हलवा भी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। मैं इसे घी के साथ इसे बस एक दो मिनट के लिए और भूनूंगी। आप इसमें चाहें तो घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए अब बाकी बचा हुआ घी भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको भी हम इसके साथ भून लेते हैं। ये देखिए हलवा हमारा बन के तैयार है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए अब हम इसे थोड़े से बादाम के साथ इस तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। ओके तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा हलवा बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।